हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मल्टी कलर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इसमें फंदे मैंने 3 के मल्टीपल प्लस 2 करके डालने हैं। ये 6 लाइनों का डिज़ाइन है और सीधी तरफ से शुरू होगा। जो डिज़ाइन मैंने यहाँ से बॉर्डर के बाद यहाँ से शुरू किया है, वो अब मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। अब हम क्रीम कलर से पूरी रो को हमने सीधा बुनना है। ये हमारे डिज़ाइन के फर्स्ट रो है। पूरी रो को हम सीधा बुन के ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। कि मेरी फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हो गई है, जो कि पूरी मैंने सीधी सीधी बुनी थी। अब आते हैं बैक साइड पे। ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। इस पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। बैक साइड की जितनी भी रो हमारी आएंगी, सारी हमने उल्टी बुननी है। अच्छा, लाइनों में डिज़ाइन बन के हमारा ओवर हो जाएगा। पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। डिज़ाइन की सेकंड रो भी बन के हमारी कंप्लीट हो गई है, जो कि पूरी हमने उल्टी बुनी थी। अब आते हैं थर्ड रो फ्रंट साइड पे। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है कि हमने कैसे करना है। ये 3 फंदों में हमारा डिज़ाइन बनेगा। पहला ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा है, 3 फंदों में हमने डिज़ाइन बनाना है। पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब ये 3 फंदों में हमने डिज़ाइन बनाना है। कैसे बनाना है? ये जो 2 फंदे दिख रहे हैं पीछे वाले, इनको हमने आगे लाना है, और जो ये सिंगल फंदा आगे का है, इसको हमने पीछे लाना है। कैसे लाएंगे हम? पीछे की तरफ से 2 फंदों को हम ऐसे ले लेंगे। सिलाई में पीछे की तरफ से 2 फंदों को हमने ले लिया, और आगे वाले फंदे को निकाल देंगे और वापस इस सिलाई में ऐसे ले लेंगे। अब ये फंदा हमारा पीछे आ जाएगा, और आगे के 2 फंदे, ये पीछे के 2 फंदे हम ऐसे सिलाई में ऐसे ले लेंगे। अब 3 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। ये 3 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। आप देख रहे हैं कि फली हमारी इधर को टर्न हो रही है लेफ्ट साइड में। अब फिर से 3 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये आगे वाला फंदा हमारा इधर आ जाएगा पीछे, और ये 2 फंदे हमारे आगे आ जाएंगे। सबसे पहले हमने पीछे की साइड से 2 फंदों को ऐसे सिलाई में ले लेना है, और तीसरा वाला फंदा हमने नहीं लेना है। ये 2 फंदे हमने ले लिए। अब आगे वाले फंदे को हम सिलाई से ऐसे निकाल देंगे और वापस इस सिलाई में लेके ये फंदा हमारा पीछे आ गया, और ये 2 फंदों को हमने आगे ले लेना है। उसके बाद ये 3 फंदों को एक एक करके हम सीधा बुन लेंगे। ऐसे हम 3 फंदों में ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे। फिर से हम 3 फंदों में डिज़ाइन बनाएंगे। पीछे की तरफ से हमने 2 फंदों को हमने आगे ले लेंगे, और जो आगे वाला फंदा है ये हमारा पीछे आ जाएगा। निकाल देंगे आगे वाले फंदे को, और इसको हम ऐसे ले लेंगे। तो इससे क्या है, ये फंदा हमारा पीछे आ जाएगा और ये पीछे वाले 2 फंदे आगे आ जाएंगे। अब हम एक एक करके 3 फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे। पूरी रो को हम ऐसे ही बनाएंगे। पूरी रो को हमने ऐसे ही बनाना है। 3 फंदों में हम डिज़ाइन बना रहे हैं। पीछे की तरफ से हमने सिलाई को डालना है 2 फंदों में, पीछे की तरफ से डाल के फिर आगे वाले फंदे को हम सिलाई से ऐसे निकाल देंगे। फिर वापस हम इस फंदे को सिलाई में ऐसे ले लेंगे। अब आगे के जो 2 फंदे हैं, ये वाले भी हम सिलाई में ऐसे ले लेंगे। उसके बाद 3 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। पूरी रो को हमने ऐसे ही बनाना है। अब हम थर्ड रो के लास्ट में आ गए हैं। वही लास्ट का एक्स्ट्रा फंदा हम, इसको हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह डिज़ाइन के थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है।
अब आते हैं फोर्थ रो बैक साइड पे। बैक साइड की सारी रो को हमने उल्टा बुनना है, इसमें हमने कुछ नहीं करना है, नॉर्मल उल्टा बुनते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह डिज़ाइन की फोर्थ रो भी बनके हमारी कंप्लीट हो गई है, जो कि पूरी हमने उल्टी बुनी थी। अब आते हैं फिफ्थ रो फ्रंट साइड। अब यहाँ पे हमने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रफ डिज़ाइन बनेगा। पहला एक्स्ट्रा फंदा हम ऐसे उतार लेंगे। अब फिर से हम ये तीन फंदों में डिज़ाइन बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, ये फली वाला फंदा आपको दिख रहा होगा, ये तीन फंदों में डिज़ाइन बनेगा। ये फली वाले फंदे को हमने, ये वाला तीसरा फंदा है, इसको हमने पहले बुनना है। सीधा बुन लिया हमने, और फिर आगे के दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे। इसको बुन के ऐसे निकाल देंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, उसको भी निकाल देंगे। अब इसको भी हम निकाल देंगे, क्योंकि ये हमने सबसे पहले बुना था। फिर से हम तीन फंदों में डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो तीसरा फंदा है, इस वाले फंदे को हमने पहले बुनना है। सीधा बुन लिया हमने। अब आगे के दो फंदे हैं, उनको भी हम सीधा बुनेंगे। इसको भी निकाल देंगे हम, क्योंकि हम पहले बुन चुके हैं इसको। आगे तीन फंदों में हम फिर से डिज़ाइन बनाएंगे। ये तीसरे वाले फंदे को हमने सबसे पहले बुनना है। अब आगे के दो फंदों को भी हम सीधा बुनेंगे और इस फंदे को भी निकाल देंगे ऐसे। और फिर से हमने ये तीसरे वाले फंदे को हमने पहले बुनना है। अब आगे के दो फंदों को भी हम सीधा बुन लेंगे और इसको निकाल देंगे, क्योंकि हम सबसे पहले बुन चुके हैं। पूरी रो को हमने ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले तीसरे वाले फंदे को हमने सबसे पहले बुनना है, उसके बाद आगे के दो फंदों को भी हमने सीधा बुनेंगे और बाद में इस फंदे को निकाल देंगे हम। पूरी रो को हम ऐसे ही बनाएंगे। अब हम फिफ्थ रो के लास्ट में आ गए हैं। अभी तीन फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो फली दिखाई दे रही है आपको तीसरे फंदे में, इसको हमने उठाना है। इसको उठा के लूज़ कर लेंगे हम और इसको हमने सबसे पहले बुनना है। अब आगे के दो फंदों को भी हमने सीधा बुनना है, लास्ट में इसको भी निकाल देंगे ऐसे। फिर से ये तीन फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। तीसरे फंदे को हमने सबसे पहले बुनना है। अब आगे के दो फंदों को भी हमने सीधा बुनना है। सीधा बुन के सिलाई से ऐसे निकाल देंगे, फिर सीधा बुनेंगे, इसको भी ऐसे सिलाई से निकाल देंगे। अब ये वाला फंदा हम ऐसे निकाल देंगे, क्योंकि ये हम सबसे पहले बुन चुके हैं। और फिर से ये तीन फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये तीसरा वाला फंदा हमने सबसे पहले बुनना है, फिर आगे के दो फंदे भी हम सीधे बुनेंगे। और इसको भी हम ऐसे निकाल देंगे। लास्ट का फंदा हमने सीधा बुन लेना है। इस तरह डिज़ाइन की फिफ्थ रो भी बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सिक्स रो बैक साइड पे। बैक साइड में पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। सिक्स रो को पूरा उल्टा बुन के हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह सिक्स रो भी बन के हमारी कंप्लीट हो गई है, जो कि पूरी मैंने उल्टी बुनी थी। इसके साथ ही डिज़ाइन भी बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे आपने इन्हीं छह लाइनों को रिपीट करते जाएंगे तो आपका यह खूबसूरत डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। आप इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं।
ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।